सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, महासागरीय लवणता। आज का जो टॉपिक है वो महासागरीय लवणता पे है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, द टर्म सैलिनिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 पार्ट ऑफ वाटर। सैलिनिटी जो है उसे खारापन भी कह सकते हैं। महासागरीय लवणता, महासागरों के अंदर जो नमक की मौजूदगी होती है उसे ही हम खारापन, लवणता या सैलिनिटी कह सकते हैं। इसको 1000 ग्राम पानी में कितना ग्राम नमक की मकदार है उससे नापा जाता है। तो ये समंदर के अंदर जो सैलिनिटी है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, उसमें क्या कंपोजिशन है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसा है या नहीं है, तो इसी की हम बात करेंगे। तो सैलिनिटी का मतलब तो समझ में आ गया कि सैलिनिटी का मतलब जो समंदर के पानी के अंदर जो खारापन होता है, जो नमक की मौजूदगी होती है, उसे ही हम सैलिनिटी कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ ओशियनिक वाटर, ओशियनिक वाटर में जो नमक होता है वो किस किस प्रकार का होता है, जैसा कि टेबल में दिया हुआ, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड है 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड है 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट है 4.7%, इस तरह कैल्शियम सल्फेट है 3.6%, पोटेशियम सल्फेट है 2.5 है, कैल्शियम कार्बोनेट है 0.3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है 0.2%। तो सबसे ज़्यादा जो इस तरह का नमक पाया जाता है समंदरों के अंदर वो 77.8 यानी सोडियम क्लोराइड जो नमक है वो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है समंदरों के अंदर। अब देख लीजिए सोर्सेज ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी यानी लवणता यानी नमक के क्या क्या सोर्सेज हैं जो समंदर के अंदर पहुँचाते हैं। इनमें तीन चीज़ें हैं, जैसे रिवर हो गया, ओशन वाटर हो गया, और ओशन वाटर या ओशन करंट जो भी कह सकते हैं, और तीसरा है अदर्स में आ जाएगा, विंड है, वॉल्केनो है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो रिवर जो है एक मेन सोर्स भी कहा जा सकता है, लेकिन रिवर के पानी में, नदियों के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट करीब 60% तक पाया जाता है, लेकिन ओशन के पानी में, समंदरों के पानी में सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता है। तो इससे ये पता चलता है कि रिवर एक मेन सोर्स होने के बावजूद सोडियम क्लोराइड यानी खारापन उतना ज़्यादा पहुँचाता नहीं है जितने के दूसरे सोर्सेस पहुँचाते हैं। नदियाँ जब लैंड के ऊपर से जब बहती हुई गुजरती हैं तो अपने साथ नमक को घोल करके जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो इसके पानी में घुलते हुए समंदर के अंदर चले जाते हैं। तो ये भी एक सोर्स है पानी में सैलिनिटी को बढ़ाने का। दूसरा सोर्स जो है वो ओशन वाटर है, ओशन करंट है बल्कि खुद। तो ओशन करंट जो समंदर के किनारे जो चट्टाने होती हैं या जिसको कहेंगे महाद्वीपीय मग्न तट पर जो चट्टाने होती हैं, उन चट्टानों से जो घुलनशील पदार्थ, जो नमक की मौजूदगी उन चट्टानों के अंदर होती है डिफरेंट टाइप्स में, उसको घोलते हुए वो समंदरों में पहुंचाती जाती है, बार बार टकराती है और उससे पानी के ज़रिए उसको घोलते हुए उसके साथ टूटते फूटते हुए या डिसॉल्व होते हुए समंदर के अंदर रुकता चला जाता है। तो दूसरा सोर्स हो गया ओशन करंट या ओशन वेव्स। तीसरा जो अदर कारण है उसमें है विंड भी है, वॉल्केनो भी है। विंड जैसे अगर इसमें डेजर्ट क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जो हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, वो अपने साथ जो धूल लेकर के जाती हैं उनके अंदर जो नमक की मौजूदगी होती है वो विंड के ज़रिए पानी में घुलती चली जाती है। नेक्स्ट हो गया वॉल्केनो। वॉल्केनो जो समंदर के किनारे जो फटते रहते हैं या उसके अंदर जो आइलैंड है उसमें फटते हैं या समंदर के नीचे सतह में जो वॉल्केनोस फटते हैं उनकी जो राख होती है उससे भी, वो भी एक सोर्स है नमक को जमा करने के महासागरों में। तो तीन सोर्सेज हो गया, तीन स्रोत हो गया लवणता के, तीन स्रोत हो गया सोर्सेज ऑफ सैलिनिटी, रिवर हो गया, ओशन वेव हो गया, और तीसरा है विंड और वॉल्केनो। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन, समुद्री जल में खारेपन के वितरण को
नियंत्रित करने वाले कारक। समुद्री जल में पानी को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? पहला कारण जो है वो इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण है, दूसरा है सप्लाई ऑफ ओशन वाटर, और तीसरा है अराइवल ऑफ रिवर वाटर, और चौथा है विंड, पांचवा है ओशन करंट। तो पहला हो गया इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसको कहते हैं, इवापोरेशन किसको कहते हैं, जो पानी का भाप बनकर उड़ना। तो जिन इलाकों में इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों के ओशंस में, समुद्र में नमक की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे इक्वेटोरियल एरिया में गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, इवापोरेशन भी बहुत होता है, लेकिन हवा में नमी होने की वजह से उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वहाँ बार बार बारिश भी होती रहती है, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल एरिया भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो सीज हैं, जो ओशंस हैं, उनमें उतनी नमक की मकदार नहीं होती है, सैलिनिटी ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि कर्क और मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, उन इलाकों में जो समुद्र पाए जाते हैं वहाँ नमक ज़्यादा होता है, क्योंकि आसमान साफ होता है, बारिश ज़्यादा नहीं होती और हवा में नमी नहीं होती है, इसलिए इवापोरेशन जो है वो तेज़ी से होता है। ये एक बड़ा कारण है इवापोरेशन की वजह से सैलिनिटी का बढ़ना, एक वो वजह हो गई। जिन इलाकों में इवापोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ उन क्षेत्रों के समुद्रों में नमक की मकदार यानी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। दूसरा हो गया सप्लाई ऑफ रेन वाटर, बारिश की वजह से। अभी इसी तरह की हमने बात की थी, इक्वेटोरियल एरिया में चूँकि कन्वेक्शनल टाइप की बारिश भी होती है और हवा भी चलती है, इवापोरेट होता है पानी, फिर जमा हो जाता है ऊपर, कंडेंस होने के बाद फिर से बारिश बनकर चला आता है। तो रेन वाटर जहाँ बहुत ज़्यादा होता रहता है उन क्षेत्रों में सैलिनिटी कम होती है। तो इस ये भी कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया में इसलिए भी सैलिनिटी कम है क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन क्षेत्र इसीलिए ट्रॉपिक्स पर, दोनों ट्रॉपिक्स पर, सदर्न और नॉर्दर्न दोनों ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, उन क्षेत्रों में जो सीज हैं उनमें बारिश की मकदार कम होती है, इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है अराइवल ऑफ रिवर वाटर, जिन क्षेत्रों में खास करके नदियों के मुहाने पर, जैसे गंगा नदी है, जैसे अमेज़न नदी है, इन नदियों के मुहाने पर सैलिनिटी कम होती है, क्योंकि एक बड़ा लॉट्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम द रिवर, एक इन्फ्लक्स ऑफ वाटर वहाँ पर आता है उस मुहाने के ऊपर, जो फ्रेश वाटर होता है, जिससे ज़्यादा वहाँ पर के उस इलाके की सैलिनिटी कम हो जाती है बनिस्बत दूर क्षेत्र की, यानी जो ओशन का जो दूर का किनारा होता है या बीच की जो जगह होती है वहाँ पर ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, और जो नदियों के मुहाने वाला इलाका होता है वहाँ पर फ्रेश वाटर की वजह से सैलिनिटी कम होती है। देन विंड, हवाएं भी एक बड़ा रोल अदा करती हैं। हवाएं जो हैं वो समुद्री लहरों को धक्का दे करके उनके पानी को एक जगह से दूसरी जगह करती रहती हैं। जैसे व्यापारिक पवन है, जिसको ट्रेड विंड बोलते हैं, वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पहुंचाती रहती हैं। यही वजह है कि मैक्सिको की खाड़ी में लवणता जो है 30 ग्राम से 37 ग्राम तक होती है, 30 ग्राम से 37 ग्राम तक। इसी तरह से पछुआ हवाएं जो होती हैं वो पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती हैं। तो इस तरह से जो हवाएं हैं वो भी पानी को, लवणता वाले पानी को इधर से उधर करती, धक्का देकर इधर से उधर करती रहती हैं, जिससे सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओशन करंट, समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं भी एक बड़ा रोल अदा करती हैं। समुद्री जो लहरें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर सैलिनिटी को बढ़ाती हैं। जैसे ये कहा जा सकता है कि इक्वेटोरियल वार्म करंट जो है, इक्वेटोरियल वार्म करंट जो है वो एक गर्म जलधारा है जो पूर्वी तट पर भागों में चला करती है, जिससे लवणता बढ़ जाती है। इसलिए मैक्सिको की खाड़ी में लवणता जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत कैलिफोर्निया के किनारे पर। इसी तरह से लेब्राडोर की जो ठंडी धारा होती है वो नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी पूर्वी इलाके से होकर बहती है,
उत्तरी पूर्वी इलाके से होकर बहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लवणता जो है वो घट जाती है। इसी तरह से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मेक्सिको की खाड़ी के पास आसपास में सैलिनिटी को बढ़ा देती है। तो ओशन करंट भी हो गया, तो ये चार पांच पॉइंट हो गए फैक्टर्स कंट्रोलिंग। नेक्स्ट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन वाटर, जो हम लोग बाद में जिसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।